नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरजी न्यूज। ये खबर सावली से सामने आ रही है, जहां पर पीएसआई अल्पेश महिडा का फिर से तबादला होने के चलते स्थानीयों ने पटाखे जलाकर मिठाई बांटकर इस बात का जश्न मनाया। सावली नगर में जिला पुलिस वड़ा की ओर से 6 माह पहले पीएसआई अल्पेश महिडा का तबादला करवाया गया था, जिसके बाद फिर एक बार उनका तबादला सावली पुलिस थाने में कर दिया गया है। दरअसल सावली में पीएसआई के तौर पर अल्पेश महिडा की नियुक्ति होने के बाद सावली में क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया था और लोगों की ओर से उनकी जो कार्यशैली थी इस बात को काफ़ी सराहा भी जा रहा था। ऐसे में फिर एक बार जब उनके तबादले की खबर सावली में सामने आई, तब सावली के लोगों में खुशी का माहौल फैल गया और सावली के लोगों ने पटाखे जलाकर मिठाई बांटकर इस बात का जश्न मनाया। इसके साथ ही सावली के लोगों की ओर से फर्श पर अल्पेश महिडा का स्वागत भी धामधूम से किया गया। आज रोज पुलिस स्टेशन में हमें समग्र ग्रामजनों एकठा थया, मिठाई वेचवा में फटाकड़ा फोड़वा में आनु कारण एक है कि आज थी 6 महीना पहला अहीं फरज बजावनार एक निडर व्यक्ति था, जे महिला साहेब तो कोई कारणसर बदली थी और बीजे गया था। आज रोज एमन आगमन थे सावली में, तेती समग्र जनता में एक खुशी की लहर व्यापी है। एनु कारण एक है कि महिला साहेब जयरे एमना शासन में कोईपण कोमी रखवाण थे नहीं। सावली नगर नहीं, तमज सावली तालुका में सुख शांति साम्राज्य हतु, परंतु ज्यारथी हता नहीं त्यारथी थोड़ू वातावरण बदलायुं हतुं। अने हूँ आज सावली नगरपालिका उपप्रमुख दक्षेश उपाध्याय छू, त्यारे हूँ एक ज वस्तु इच्छू कि मारा नगर में सुख शांति हमेशा रहे। तो ए माटे आवा एक निडर व्यक्ति की जरूर है कि जे साम दाम दंड भेद कि ज्यां जे जरूर हो वस्तु उपयोग कर नगर में शांति साम्राज्य फैलावे। कसपण एवं कही सकते मारा पत्रकार मित्रों, कारण के जे महिला साहेब है एनो घरे घर एमनो पर्सनल संबंध रहो छे, कोईपण कोमना आगेवानो होय ए हिंदू होय के मुस्लिम होय एमनी साथे जाते मरता दरेक जोड़े एमनो घरनो संबंध रहो छे अने दरेक व्यक्ति एमनी वात मानतो, तेमज कोई नाना व्यक्ति नी वात पण महिला साहेब जाते मानता। तेथी हूँ एवी आशा राखू छू कि महिला साहेबना आगमन थी हवे मने एवुं कंई लागतुं नथी कि अमारा गाममां कोईपण अशांतिपूर्ण काम थशे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।